देश में जितने भी मुद्दे या घटनाएं होती हैं हमें न्यूज मीडिया के माध्यम से ही पता चलती हैं, और उनमें ही कुछ गिने चुने मुद्दों पर डिबेट भी होती है। इनमें एंकर की भूमिका अधिक है, तो आज हम कुछ एंकर्स की पिछले हफ्ते की 5 डिबेट्स की बात करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए कौन से मुद्दे जरूरी रहे। पहले बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहला, बारिश और ठंड का प्रहार, कब तक किसान करेंगे इंतजार, कल की बैठक में निकलेगा समाधान। दूसरा, दिल्ली में घुसने की धमकी देकर अपनी बात मनवा लेंगे किसान। तीसरा, बैठक पर बैठक, कब होगा फाइनल फैसला। चौथा, क्या 4 जनवरी को खत्म हो जाएगा आंदोलन। और पांचवा, एक साथ लंच, समाधान का डिनर साथ करेंगे क्या। मंथन 2021 में किसानों का बड़ा पैनल। संदीप अक्सर अपनी डिबेट में बीजेपी नेताओं से जनता के मुद्दों पर तीखे सवाल करते देखते हैं। इस बार भी उन्होंने किसानों की परेशानियों पर बीजेपी नेता से सवाल किए। गुरु, अधूरी जानकारी दी जा रही है क्या? A2+FL लागू किया है दरअसल सरकार ने, स्वामीनाथन आयोग ने C2+50 कही थी, वो लागू नहीं हुई। ये अधूरी जानकारी दी जा रही है ना कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। देखिए, ये जो वार्ताओं का दौर अभी चल रहा है, मैं आश्वस्त हूँ कि कल राकेश जी इन बातों को वहां सरकार के समक्ष रखेंगे और एक अच्छा सकारात्मक वातावरण में एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव आउटकम आएगा जिससे सहमत सरकार भी होगी और किसान संगठन भी होंगे। इसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं, कल दोपहर 2 बजे तक का इंतजार करना है। नहीं, देखिए यहाँ पर बात क्या है, और सरकार का तर्क अलग है और किसान संगठनों का अलग। गुरु, यहाँ पर यह समझना होगा, किसान कह रहे हैं तीनों कानून वापस करने होंगे, सरकार कह रही है हम संशोधन के लिए तैयार हैं, तो मीटिंग ग्राउंड कैसे बनेगा? सरकार MSP पर लिखित आश्वासन देती है, पर MSP को कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है? ये मोटे से बड़े सरल 2 सवाल हैं। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की, जो HW न्यूज नेटवर्क पर अपने द विनोद दुआ शो में देश में चल रही जरूरी मुद्दों को उठाते हैं। देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर बात की। पहला, केरला असेंबली यूनैनिमसली पासेस रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंट्रल फार्म लॉज। दूसरा, कंसेंशियस ऑन 2 इश्यूज, सेल्स यूनियन एग्री मिनिस्ट्री आफ्टर टॉक्स विद फार्मर्स। तीसरा, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स राइट टू सेंटर। चौथा, अन्ना हजारे थ्रेटन्स टू लॉन्च हिज लास्ट प्रोटेस्ट फॉर फार्मर्स। और पांचवा, राहुल गांधी मीट्स प्रेसिडेंट कोविंद ओवर फार्म लॉज। विनोद दुआ ने अपने शो में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की और कुछ जानकारियों के साथ साथ सरकार से सवाल भी करते दिखाई दिए। महाराष्ट्र में भी कोई ऐसा प्रस्ताव तो पास नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, केंद्र के जो कानून है और आदेश भी दे रखे। उसके अलावा दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असेंबली में इनको रिजेक्ट कर दिया प्रस्ताव पास करके, और इन ये जो कानून है इनकी कॉपी भी फाड़ दी। बहरहाल देखते हैं, आंदोलन जारी है, किसानों का नया साल आज फिर सड़कों पर ही बीतेगा। सब तरफ किसान हैं, सिर्फ पंजाब से नहीं है, हरियाणा से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, महाराष्ट्र से भी पहुंच चुके हैं, गुजरात से भी आए हैं, सब तरफ किसान हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर। और वो घेर के नहीं बैठे हैं, उनको पुलिस ने रोका हुआ कि दिल्ली में नहीं आना है, जबकि अपनी राजधानी में जाना किसी का भी हक हो सकता है। पिछले 1 महीने से उन्होंने साबित कर दिया है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। देखते हैं सरकार को सद्बुद्धि कब आती है। अब बात करते हैं उस मीडिया की जिसे जनता सरकार से सवाल होने की उम्मीद तो लगाती है पर ऐसा होता नहीं दिखता। पहले बात करते हैं रिपब्लिक TV के पत्रकार अर्नब गोस्वामी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, बंटवारा गैंग पर हुआ प्रहार, अब हर साजिश होगी फेल। दूसरा, 2020 का यादगार सफर, देखिए अर्नब गोस्वामी के साथ पूछता है भारत मेगा शो। तीसरा, गुमराह गैंग का गेम ओवर। चौथा, किसानों का नाम, विपक्ष की अराजकता। और पांचवा, क्या राहुल गांधी के लिए किसान खेल तमाशे का मुद्दा है? देश में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, उस पर मीडिया ने बात करना शुरू तो किया, देखते हैं अर्नब ने इस मुद्दे पर क्या कहा। दोस्तों, नए कानून में कुछ भी ऐसा नहीं जो किसानों के खिलाफ हो। जो लोग इस बिल को पढ़कर समझ चुके हैं अब, उनका यही कहना है कि यह बिल किसानों की आमदनी बहुत बढ़ाएगा, किसानों को सेठ साहूकारों के कर्ज में दबने से बचाएगा और किसान और स्वतंत्र होंगे। इसलिए कानून को समझने वाले हैरान हैं। किसानों की एक बड़ी मांग MSP को लेकर है, उस पर भी सरकार ने कह दिया है
कि एमएसपी किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी बार 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 ये कह चुके हैं कि नया कानून किसानों के फायदे का है, इसे हटाया नहीं जा सकता। जो लोग अभी ये बात नहीं समझ पा रहे वो धीरे धीरे कानून का असर देखने के बाद समझने लगेंगे। आइए अब बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, 2021 में कौन करेगा जनता के दिलों पर राज, किसको रहना होगा सत्ता से दूर। दूसरा, अनुपम खेर और कुमार विश्वास से सबसे बड़ा संवाद। तीसरा, 35 दिन बाद खत्म होगा विवाद, 2020 में आंदोलन का अंत। चौथा, किसानों के नाम पर अराजक गैंग काम पर। और पांचवा, राहुल का सैर सपाटा, कांग्रेस का सियासी घाटा। अमीश ने कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की और देश की जनता के सामने रखा कि वह किसानों के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। आज की बहस सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, आज सिर्फ आंदोलन की बात नहीं होगी, क्योंकि कुछ किसान नाराज हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान की नाराजगी को वो दूर करे, उनका कंफ्यूजन दूर करे, और सरकार ऐसा कर भी रही है। लेकिन मैं आज आपको आंखें खोल देने वाली खबर बता रहा हूँ, क्योंकि नाराज किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हैं, और इसी बीच पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर को तोड़ दिया गया है। आखिर ये कौन लोग हैं? क्योंकि मेरा दावा है कि मेरे देश का किसान अपने ही देश के पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। तो क्या कोई गहरी साजिश रची गई है? मोबाइल से बातचीत में समस्या खड़ी की जाए, बच्चे ऑनलाइन क्लास कर ना पाए, उन्हें दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन कारोबार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है, बाबा रामदेव के पतंजलि का विरोध किया जा रहा है, आखिर बाबा रामदेव से किसानों के आंदोलन का क्या लेना देना है? तो क्या ये देश को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश है? आपने अब खुद ही देखा कि कौन किन मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। गोदी मीडिया सवाल तो नहीं पूछता, ना ही अधिक जानकारी देता है, पर हम आप तक सही और ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.